हाय व्यूअर्स, आज हम लोग बनाएंगे अंडा का भुना हुआ खिचड़ी। इसलिए अभी तेल डाल देते हैं। तेल लिया हम लोग 1 कप। आधा किलो चावल का हम खिचड़ी बनाएंगे। अभी 1 कप प्याज ले लिया। प्याज को थोड़ा फ्राई करके लेंगे। इसमें अभी डाल दिया तेज पत्ता। अभी टमाटर डाल दिया 1 कप। टमाटर प्याज का तरह अच्छी तरह भून लेना। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच। ये भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना। एक चम्मच नमक और स्वाद अनुसार डाल देना। हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर भी 1 चम्मच, धनिया गुड़ा 1 चम्मच, मेरा भी जो है गरम मसाला पाउडर, उसमें जीरा है, धनिया है, वैरायटी मसाला है, 1 कप गरम मसाला पाउडर। सब 1 कप डाल के भून लेना। अभी थोड़ा ढक के पकाने का। अभी आलू डालने का, 2 कप जैसा आलू छोटा छोटा कटा हुआ। अभी इसमें जो दाल और चावल जो धो के रखा हुआ था वो डाल दिया। डालने के बाद अच्छे तरह मिक्स करने का है। अच्छे तरह मिक्स करेगा तो मसाला जो है वो चावल दाल और मसाला का रस मिक्स हो जाएगा तो स्वाद अच्छा होगा।
अभी गर्म पानी डाल देना था, पानी पहले से गर्म करके रखना चाहिए तो अच्छा होता है। आपका चावल और डावल जितना होता है उसका डबल पानी डालना पड़ता है। आधा किलो चावल में एक किलो पानी डालना पड़ेगा, एक लीटर मतलब पानी डालना पड़ता है। अभी ढक के पकाने का है। अभी फाइनली थोड़ा ढक के पकाना है। अभी जो ऑयल आता है फाइनली हमारा खिचड़ी बन गया। अभी जो है हमारा भुना खिचड़ी अंडा के साथ रेडी हो गया। हमारा रेसिपी अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।